कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब अकाउंट में, जिसका नाम है बहुजन यूट्यूबर। मैं हूं आपका दोस्त सोनू। तो साथियों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। मध्य प्रदेश में भीम आर्मी की हर रैली के लिए कांग्रेस देगी 20 लाख। अब मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूं, या फिर मुझे किसी ने कह दिया हो कि आप इस तरह की फेक न्यूज बना दीजिए और कर दीजिए उसे वायरल, तो मैं ऐसा भी नहीं कर रहा। मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास एक ऑडियो वीडियो है जो कि मेरे एक मित्र ने मुझे भेजा है, जिसमें मध्य प्रदेश में भीम आर्मी की किस तरह से दलाली की जा रही है दलाल लोगों की तरफ से, वो पूरा का पूरा सच और वो प्रकरण विस्तार में है। जिन्हें हम अपना सरताज समझते थे, जिनमें हम अपना भविष्य देखने लगे थे, हमें लग रहा था कि भीम आर्मी देश में कुछ करेगी, लेकिन इसने भी वही किया जो सदियों से अन्य संगठन करते आ रहे हैं, जिन्होंने मानवर कांचीराम साहब को धोखा दिया और अब बहन मायावती जी को धोखा दे रहे हैं। एक तरफ तो अपने बहुजन समर्थक होने का और बहुजनों के महानायक होने का ढोंग रचते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार से पैसे मांगते हैं। किस लिए? कि जहां बसपा मजबूत है वहां पर रैली की जाए। साहब, पूरा मध्य प्रदेश डला है, आप ऐसी जगह चले जाइए जहाँ बसपा मजबूत नहीं, करिए रैलियाँ, बढ़ाइए जनाधार, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में एक बात और स्पष्ट है कि किस तरह से जहाँ बसपा मजबूत है सिर्फ हमें वहाँ पर रैली करनी है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 8 जगह ही रैलियाँ करनी है। सतना रीवा रैली करनी है, भिंड मुरैना रैली करनी है आपको, टीकमगढ़ करनी है आपको रैली, आपको छतरपुर रैली करनी है, सिर्फ यहीं क्यों? इसलिए कि यहाँ पर बसपा मजबूत है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप एक बार वो ऑडियो सुने, फिर हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश में दलाली की जा रही है। कैसे? बस बढ़िया सर, आप कैसे? बस बढ़िया, फाइन जी। रात में फोन आया था उनका। फोन का? कमलनाथ जी का। अच्छा, तो वो प्रोग्राम के बारे में एक तो ये पूछ रहे थे भिंड वाला। अच्छा, तो मैंने बता दिया कि सर तैयारी बढ़िया है। हाँ। और 15,000 लोगों का अपन ने किया है, मतलब इंतजाम कर दिया गाड़ी घोड़े लगा के। क्योंकि मैं 6-7 दिन से यही हूँ। अच्छा अच्छा, विधानसभा वाइज सब जगह क्षेत्र तक अपन पहुँच गए, और सभी विधानसभाओं में अपन ने 3-3, 4-4 गाड़िया अच्छे लगाई हुई थी, पूरी टीम लगा के प्रदेश की। तो ये तो बढ़िया हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्राउंड अपन ने यहाँ बुक किया। अब वो आगे के प्रोग्राम के बारे में बोल रहे थे, तो कहाँ कहाँ करना है ये बताओ। अच्छा, उनका ये कहना था कि जहाँ आपका वोट है, मतलब बसपा का, तो वहां करो। तो कहाँ कहाँ दे? देख लो साहब, रीवा है, सतना है। रीवा सतना, ठीक है। और ये भिंड मुरैना, 2 जगह 3 जगह, और वहाँ तो पर थोड़ा थोड़ा वोट है, आप जानते तो नहीं। जैसे मैंने टीकमगढ़ में देखा, 1 लाख वोट है अपना, सभी विधानसभा को मिला के 8 को। छतरपुर में भी इतना ही है। तो ये दोनों ले सकते हैं अपन। हाँ, ले सकते है ना, क्योंकि 1 लाख वोट बहुत होता है। देखिए, नहीं, अभी तो नेक टू नेक फाइट रहेगी आपकी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। नहीं, वो तो नेट टू नेट ही रहेगा। नेक टू नेक रहेगी तो 50,000 वोट भी आपको बहुत मदद करेगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल है ना। तो छतरपुर हो जाएगा, ये खजुराहो वाली सीट कवर हो जाएगी। हाँ। इधर टीकमगढ़ हो जाएगी कवर। हाँ। फिर दमो भी कर सकते हैं अपन। हाँ। दमो में भी 70-80 हजार वोट अपना। हाँ। है। हाँ। अब यहाँ करना है क्या, ये मैं पूछ रहा था खासतौर से सागर और विदिशा। सागर विदिशा में 10-10 हजार वोट तो पड़ता है, यहाँ क्यों समय खराब करते? हाँ, 15,000 मुश्किल से, है ना, समय खराब करना है। तो ये दोनों छोड़ दें अपन, है ना, सागर भी छोड़ दूं और विदिशा भी छोड़ दूं। तो ये अब हो गए प्रोग्राम अपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अशोकनगर हो रहा है इसमें। हाँ हाँ, है ना, क्योंकि गुना वाली सीट है ना। हाँ। राजगढ़ छोड़ दें, क्योंकि उधर भी ज्यादा कुछ है। अरे कुछ नहीं है, है ना, और जिधर बम है उधर ही करो कार्यक्रम। अशोकनगर तो ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि ये गुना वाली सीट है ना। तो
डीए कर देते हैं। और ये मैंने उनको 25 लिख के दिया था सारा बना के, ए टू जेड, इसमें सारा कुछ शामिल था प्रोग्राम का। तो उन्होंने 20 राजीव ने बोला था कि 20 कर देंगे, 20 सीआर। हाँ, अरे यार सीआर का, अच्छा 20 लाख, अच्छा एक प्रोग्राम का, उसमें भी उनकी जान निकल रही थी। मैंने 25 लिख के दिया था, मतलब मैंने अद्वितीय एक्चुअल जोड़ा था। इसमें अपना कुछ नहीं मतलब था, दो पैसे भी जो अपन करते रहते हैं प्रोग्राम, वो उनको एक एक चीज लिख के दी थी, कितने का पंपलेट, इतने का साउंड, इतने का टेंट, इतने की गाड़ी, इतने का होटल, इतने के झंडे, इतने का ये वो करके ऐसे 25 आया था मेरा। तो उनने बोल दिया था कि 20 हम करेंगे। उनने कमलनाथ जी से डिस्कस किया होगा जो कुछ भी होगा, तो ये 20 ही रहने दे। हाँ ठीक है, जब उतना उनकी तरफ से सेटलमेंट होगा, उनकी तरफ से जो आ रहा है अपन खाए को करें उतने में कर देंगे। तो उनको भेज दो लिख के ये। हाँ हाँ भेज दो भाई, ये है बना दो, करेंगे। हाँ क्योंकि फिर टाइम है नहीं, मैं बताऊँ नहीं टाइम नहीं, आप जानते हो एक कार्यक्रम की तैयारी में 10 दिन लगते हैं कम से कम। अरे साहब जब तक अपन खुद नहीं जाओगे कोई नहीं आएगा, तो नहीं करेगा। अब मैं 8 दिन तो यहाँ पड़ा हूँ, तब जाके ये मतलब ठीक हुआ। अब जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वहाँ जाके डलना पड़ेगा मेरे को। तो चुनाव नहीं लड़ा रहे चंद्रशेखर? चंद्रशेखर चुनाव नहीं लड़ा रहे? वो खुद लड़ रहा है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी तो सपोर्ट करो, बाकी सपोर्ट करो कांग्रेस को और अपना बीजेपी को हराओ, दूसरी कार्यक्रम है। फिर उसके बाद लोकसभा के बाद बनाएंगे पार्टी। अच्छा बातचीत हो गई है, अब ये रहे देखना कि नहीं बीजेपी को रोके। नहीं मंच पे ये नहीं बोले वो कि भाई वो क्या है कि साला संदेश ये भी जाता है ना कि कांग्रेस के बारे में कुछ तो बोलना पड़ेगा। ना ना आप चिंता मत करो, वो तो बहुत बढ़िया तरीके से हमने बना लिया। हमने ऐसा कर दिया है कि भैया जिनके राज्य में संविधान सुरक्षित नहीं था, संविधान को जलाया गया, एट्रोसिटीज एक्ट बदला गया, हमारे लोग को मारा गया, ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकना है और जो उसको हरा सकता है उसको वोट करना है। ऐसे करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं फील्ड में भी गया हूँ तो मैंने तो क्लियर बोला घर में तो बैठ के, आप बीएसपी की कोई मतलब बची नहीं है, आप तो जिताओ कांग्रेस को, जो बीजेपी को हरा रही है वो कांग्रेस ही है। नहीं कहा जैसे तो कांग्रेस ही हरा पाएगी हम लोगों में, और सही भी यही है ना, गलत कुछ थोड़े बोल रहे हैं। तो ये है, तो ये मैं उनको लिख के भेज देता हूँ। हाँ हाँ भेज दो, आप बढ़िया ठीक है ना। हाँ ठीक ठीक है, ओके जी भैया। साथियों आपने किस प्रकार से आईएस मोर और प्रदीप अहिरवार के बीच बातचीत हो रही है कि मध्य प्रदेश में बीएसपी को कैसे डुबाया जाए, और मैं आपको बता दूं साथियों एक एक रैली की 20-20 लाख रुपए की डील हुई है और लगभग 1 करोड़ से ऊपर की डील हुई है। आप सोचिए हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, सेक्टर से लेकर बूथ की कमेटी तक, बूथ की कमेटी से लेकर विधानसभा, विधानसभा से लेकर जिले तक हम अपनी तैयारियों में लगे हैं, और इन जैसे लोग किस तरह से दलाली कर रहे हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन लोगों पर कैसे शिकंजा कसा जाए, इन लोगों की दलाली कैसे बंद की जाए। और ये आज का ये आज ये साबित करता है कि अगर मध्य प्रदेश में बसपा कहीं हारती हारी है या हारेगी तो ये लोग इसके मुख्य जिम्मेदार होंगे। धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा, और अगर वीडियो पसंद आया हो ना, पसंद क्या पसंद तो आएगा ही, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये पूरी पूरे भारत में ये वीडियो जाना चाहिए और पता चलना चाहिए कि भीम आर्मी किस तरह से दलाली कर रही है पूरे देश में। आप सभी का फर्ज बनता है, यदि आप दलाली रोक नहीं सकते ना तो दलाली को बढ़ावा भी मत दें। धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा, और ठोक दीजिए शेयर और लाइक। जय भीम।